हाँ जी बेटा, हम प्यारे बच्चों, हम लोग जो है 25 चौका 150 कहानी पढ़ रहे हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी द्वारा रचित कहानी 25 चौका 150, और इसमें हमने सुदीप नामक जो है युवक इस कहानी का आप कह सकते हैं नायक है। उसमें हमने पढ़ा है कि किस तरह से किन हालातों में उसको जब नौकरी मिली है तो नौकरी की खुशी बांटने के लिए, पहली तनख्वाह मिलने की खुशी बांटने के लिए वह बड़ी मुश्किल से अपने घर आ रहा है, और रास्ते की जो बात है कि भी किस तरह से कंडक्टर जो है किसी गरीब इंसान के ऊपर चढ़ता है, उससे व्यवहार करता है। और जब भी सुदीप किसी को गिड़गिड़ाते हुए देखता है तो उसके सामने अपने पिता की वह सूरत आ जाती है। उसको बड़ा इस बात का दुख लगता है कि उसके पिता बिना वजह किसी के सामने गिड़गिड़ा रहते हैं, पर बड़ी मुश्किल से उन्होंने उसे पढ़ाया, और उसे फिर सामने वह बात याद आ जाती है जब वह चौथी मतलब कक्षा में था और उसको 25 का पहाड़ा जो पढ़ाना था, और शिव नारायण जो मास्टर है वह जो है उसे कह रहे हैं कि 25 चौका 100, क्योंकि वह सही कह रहे हैं। उसके पिताजी उसको कहते हैं कि 25 चौका 150 होता है, क्योंकि चौधरी साहब ने उसको यह बात कही है। उसके दिमाग में इस बात की आंधी चल रही है कि ऐसा क्यों हो सकता है, गलत कौन है, और अभी वो ये कहते हैं कि आगे की बात वो जो है कहना चाह रहा है कि इस बात के पीछे राज क्या है। नर्म और मासूम बाल मन पर एक खरोंच पड़ गई थी जो समय के साथ साथ और गहरा गई थी। किसी ने ठीक ही कहा है, मन में गांठ पड़ जाए तो खोले नहीं खुलती, सोते जागते उठते बैठते 25 चौका 150 उसे परेशान करने लगा। बाल मनोविज्ञान का सुंदर चित्रण है कि बालक के मन में जो बात बैठ जाती है वह नहीं हटाई जाती, और अगर मन में बैठ जाती है तो वह गांठ खोले से नहीं खुलती, सोते सोते उठते बैठते जो है उसे वह बात परेशान करने लगी कि 25 चौका 150 कैसे होता है। बाल मन की है खोज ग्रंथि बन गई, जब भी वह 25 की संख्या पढ़ता या लिखता उसे 25 चौका 150 भी याद आता था। शायद साथ ही याद आता पिताजी का विश्वास भरा चेहरा, जो मास्टर शिव नारायण मिश्रा का गाली गलौज करता हुआ लाल लाल गुस्सैल चेहरा, दोनों चेहरे उसको याद आते हैं कि मेरे पिताजी कितने विश्वास से कहते हैं 25 चौका 150 ही होता है, शिव नारायण मास्टर जो है कितना गाली गलौज करते हैं, गुस्सैल लाल लाल चेहरा। तो सुदीप दोनों चेहरे पर एक साथ स्मृति में दबाए 25 चौका 150 की अंधेरी दुर्गम गलियों में भटक ने लगा। जैसे जैसे बड़े होने लगा कली कई सवाल उसके मन को विचलित करने लगे जिनके उत्तर उसके पास नहीं थे। वह बड़ा होता चला गया। बस अड्डे से थोड़े पहले एक बड़ा सा गति अवरोधक था जिसे आप स्पीड ब्रेकर कहते हैं, जिसके कारण अचानक ब्रेक लगने से बस में बैठे यात्रियों को झटका लगा। कई लोग तो गिरते गिरते बचे। झटका लगने से सुदीप की विचार तंद्रा भी टूट गई। उसने जेब को छूकर देखा, तनख्वाह के रुपए जेब में सही सलामत थे। गरीब इंसान है, बड़ी मुश्किल से नौकरी मिली है, पहली तनख्वाह है, उसे डर लगता है कि कहीं कोई निकाल ना ले, लेकिन उसके हाथ में वह सही सलामत थे। बस गांव के किनारे रुकी, बस अड्डे के नाम पर दो एक दुकानें, पान बीड़ी की, एक पेड़ के तने से टिकी पुरानी सी मेज पर बदरंग आईना रखकर बैठ गांव का बदरू नाई, नाई से थोड़ा हटकर दूसरे पेड़ तले बैठा गांव का मोची, एक केले अमरूद वाला, बस यही था बस अड्डा। बस अड्डे की आप कह सकते हैं उस वातावरण का बता रहे हैं कि एक दो पान बीड़ी की दुकानें हैं, कहीं पर जो है बड़ी टूटी सी मेज पर एक बदरंग सा आईना शीशा लगा करके कोई नाई बैठा है, और वहां पर ही एक गांव का मोची बैठा है। गांव का दृश्य उन्होंने बताया है, एक केले अमरूद वाला है, यही बस अड्डा था। सुदीप ने बस से नीचे उतर कर आसपास नजरें दौड़ाई। बस अड्डे पर कोई विशेष चहल पहल नहीं थी, का लोग इधर उधर बैठे थे। वह सीधा घर की ओर चल पड़ा। गाँव के पश्चिम छोर पर 30-40 घरों की बस्ती में उसका घर था। दोपहर होने को आई थी, सूरज काफी ऊपर चढ़ गया था। उसने तेज तेज कदम उठाए, लगभग महीने भर बाद गांव लौटा था। जानी पहचानी चिर परिचित गलियों में उसे अपने बचपन से अब तक बिताए पल गुनगुनाने लगे। इससे पहले उसने कभी ऐसा महसूस नहीं किया था। एक अनजाने से आत्मीय सुख से वह भर गया था। अपना गाँव, अपने रास्ते, अपने लोग, अपने मन ही मन मुस्कुराकर कीचड़ भरी नाली को लांघा और बस्ती की ओर मुड़ गया। नाली गाँव और बस्ती के बीच एक बड़ा सा जोहर था जिसमें जल कुंभी फैली। अब वो गांव का दृश्य बता रहा है और उसके मन की खुशी, सुदीप के मन की खुशी को बड़े सजीवता से उन्होंने व्यक्त किया है कि किस तरह से जो सुदीप है अपने चिर परिचित एक महीने बाद आए हैं, उसको अपने लोग, अपनी गलियां, मतलब वहां आकर उसको कितना सुकून मिल रहा है। लेखक इस तरफ से यह बात एक संकेत करना चाहता है, जो अपने घर से, परिवार से, गाँव से, शहर से, देश से दूर जाकर के नौकरी करते हैं, और जब कभी वो छुट्टियों पर अपने घर के आसपास आते हैं तो वह सुगंध, वह महक, वह अपनापन उन्हें कितना सुकून देता है।
वो कहते हैं कि हम चाहे अपने जड़ से अपने देश गांव से दूर कितने भी चले जाएं, लेकिन सुकून और जो असली खुशी है, मानसिक खुशी है, वह हमें अपने परिवार, अपने घर, अपने गांव, अपने देश में ही होती है। और कहते हैं कि गांव और बस्ती के बीच एक बड़ा सा जोहर था जिसमें जल कुंभी लगी हुई थी। जल कुंभी का नीला फूल उसे बहुत अच्छा लगता, इक्का दुक्का फूल दिखाई पड़ने लगे थे। उसने जोहड़ के किनारे किनारे चलना शुरू किया। पिताजी आंगन में पड़ी पुरानी चारपाई की रस्सी कस रहे थे। सुदीप पाया देखकर वे उसकी ओर लग गए। अचानक क्या बात है, लगता है शहर में जी नहीं लगा। नहीं, ऐसी बात नहीं, बस ऐसे ही चलाया, सुदीप ने सहजता से कहा। जेब से निकालकर तनख्वाह के रुपए उनके हाथ में रखकर पांव छुए पिताजी गदगद हो गए थे। वो हाथों में रुपए थाम कर माथे से लगाए जैसे देवता का प्रसाद ग्रहण कर रहे हो। मन ही मन अस्फुट शब्दों में, अस्फुट शब्दों का अर्थ है कि मतलब जो शब्द प्रकट नहीं है, स्पष्ट नहीं है, दबे से शब्दों में कुछ गुदगुदाए, पूरा कह नहीं पा रहे। फिर सुदीप की माँ को पुकारा, दीपे की माँ करके यहाँ तो आ, ले सिंहार अपने लाड़े की कहा। माँ आवाज सुनकर बाहर आई, आंचल पसार कर रुपए लिए और सुदीप को छाती से लगा लिया। वह क्षण ऐसा लग रहा था जैसे समूचा घर खुशी की बारिश से भीग रहा। सुदीप चुपचाप सभी के खिले चेहरे देख रहा था, सब खुश थे। ऊपरी तौर पर तो वह भी मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसके भीतर एक खलबली मची थी, वह अशांत। उसने माँ से कहा, यहाँ बैठो माँ। हाथ बढ़ाकर आंचल से कुछ रुपए ले लिए। गंभीर स्वर में बोला, पिताजी मुझे आपसे एक बात कहनी है। क्या बात है बेटे, कुछ चाहिए? पिताजी ने जिज्ञासा बस पूछा। नहीं पिताजी, कुछ नहीं चाहिए, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। पिताजी गुमसुम होकर उसकी ओर देखने लगे। कुछ देर पहले की खुशी पर धुंध पड़ने लगी थी, तरह तरह की आशंकाएं उन्हें झकझोरने लगी, अचानक बेचैनी महसूस करने लगी। बच्चा कुछ कह देता है, अचानक से माँ बाप को बेचैनी होती है कि जिसने बहुत कष्ट, बहुत तकलीफें देखी हो उसे और ज्यादा होती है। सुदीप ने 25-25 रुपए की चार ढेरियां लगाई। पिताजी से कहा, अब आप इन्हें गिनिए। पिताजी चुपचाप सुदीप की ओर देख रहे हैं, उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। ऐसा ही होकर बोले, बेटे मुझे तो 20 से आगे गिनना भी नहीं आता, तू ही गिन के बता दे। सुदीप ने धीरे स्वर में कहा, पिताजी ये चार जगह 25-25 रुपए हैं, अब इन्हें मिलाकर गिनते हैं। चार जगह का मतलब 25 चौका। क्वेश्चन रुककर सुदीप ने पिताजी की ओर देखा, फिर बोला, अब देखते हैं 25 चौका 100 होते हैं या 150। पिताजी अवाक होकर सुदीप का चेहरा देखने लगे। उनकी आंखों के आगे चौधरी का चेहरा घूम गया। 30-35 साल पुरानी घटना साकार होती, यह घटना जिसे वे अब तक न जाने कितनी बार दोहराकर लोगों को सुना चुके थे, आज उसी घटना को नए रूप में लेकर बैठ गया था सुदीप। मतलब वो चौधरी साहब की जो तारीफ है कि उन्होंने किस तरह से उसकी मदद की, पत्नी के लिए सहारा दिया, फिर ब्याज के पैसे 25 चौका 150 बता करके 20 रुपए इस तरह से उन्होंने छोड़ दिए, और इस तरह से उनका जो एहसान है, इस बात को सुदीप के पिताजी वर्षों तक न जाने कितनों के आगे गा चुके थे, आज इतनी पुरानी बात को वो नए रूप में उनका बेटा लेकर के आया, तो उन्हें यह बात बहुत असहज लग रही थी। सुदीप रुपए गिन रहा था, बोल बोलकर 100 पर जाकर रुक गया। बोला, देखो 25 चौका 100 हुए, 150 नहीं। पिताजी ने उसके हाथ से रुपए ऐसे छीने जैसे सुदीप उन्हें मूर्ख बना रहा है। वे रुपए गिनने का प्रयास करने लगे, लेकिन 20 पर जाकर अटक गए। सुदीप ने उनकी मदद की, 100 होने पर पिताजी की ओर देखा, उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था। उन्होंने फिर एक से गिनना शुरू कर दिया, 20 पर अटक गए। उलट पलट कर रुपयों को देख रहे थे जैसे कुछ उनमें कम है। सुदीप ने फिर गिन कर दिखाए, पिताजी को यकीन ही नहीं आ रहा था। सुदीप ने हर बार उनकी शंका का समाधान किया हर प्रकार से। बेटा है, उनको सच्चाई बताना चाहता है और बार बार बता रहा है कि आप शंका न करें। उसका तो विश्वास इतना ज्यादा है चौधरी जी के ऊपर कि वो मानने को तैयार नहीं, लेकिन आज बेटा जो उनकी सारी शंकाओं का समाधान करने का निर्णय कर चुका है, बता रहा है कि 25 चौका 100 ही होते हैं। आखिर पिताजी को विश्वास हो गया, सुदीप ठीक कह रहा था, 25 चौका 100 ही होते हैं, झूठ सच सामने आने लगा। पिताजी के हृदय में जैसे अतीत जलने लगा था उनका विश्वास, जिसे पिछले 30-35 सालों से वे अपने सीने में लगाए चौधरी के गुणगान नहीं करते नहीं अघाते का अर्थ थकते नहीं थे। उनके हृदय में अतीत जलने लगा, जो पुरानी बातें थी दुख पहुंचने लगा। 30-35 सालों से जिस बात को सीने में विश्वास को जोड़े हुए थे, चौधरी का गुणगान गाते थे, आज अचानक कांच की तरह चटक कर उनके रोम रोम में समा गया। उनकी आंखों में एक अजीब सी वितृष्णा पनप रही थी जिसे पराजय नहीं कहा जा सकता, बल्कि विश्वास में छले जाने की गहन पीड़ा। विश्वास था उनको जिसमें छले गए थे। कहा जाता है कि विश्वसनीय व्यक्ति का अगर आपको विश्वास टूटता है, धोखा होता है, तो वह असहनीय होता है। उसी स्थिति में उसके पिताजी थे और बहुत दुखी थे। उन्होंने अपनी मैली चिकट धोती के कोने से आंख की कोर में जमा कीचड़ पोंछा और एक लंबी सांस ली। रुपए सुदीप ने
लौटा दिए। फिर उनके चेहरे पर पीला का खंडर उड़ाया था, जिसकी दीवारों से ईंट पत्थर और सीमेंट भुरभुरा कर गिरने लगे थे। उनके अंतस में एक टीस उठी, जैसे कह रहे हों, कीड़े पड़ेंगे चौधरी, कोई पानी देने वाला भी नहीं बचेगा। उनके मन में एक पीड़ा, एक दर्द उभर आया है कि यह मेरे साथ इतना धोखा क्यों किया। एक गरीब इंसान के साथ सिर्फ इसलिए कि वह थोड़ा सा कम पढ़ा लिखा है, इतना बड़ा धोखा, और वो भी विश्वास और एहसान जमा करके। यह हमारे समाज की सच्चाई है। कहानी यही खत्म होती है। आपने इस कहानी का सार याद करना है और सुदीप का चरित्र चित्रण, दोनों ही प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वजह से आपने इसकी तैयारी करनी है।